कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद भाजपा ने बुधवार को 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया। बंद के दौरान पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच कई जगहों पर झड़प हुई। सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहां तक कि नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटापारा में बंद के दौरान भाजपा नेता की कार पर फायरिंग भी की गई। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में बंगाल में बवाल भी जारी है। ममता बनर्जी सरकार के विरोध में छात्रों के नबन्ना अभियान प्रोटेस्ट पर पुलिस के बल प्रयोग के विरोध में आज बीजेपी का 12 घंटे का बंगाल बंद है। इस दौरान बीजेपी की एक स्थानीय नेता पर हमला भी किया गया। इस हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक अज्ञात शख्स बीजेपी के स्थानीय नेता प्रियांगु पांडे की कार पर फायरिंग कर रहा है। हमलावर ने पांडे की कार पर 6 राउंड फायरिंग की है। इस फायरिंग में कार का शीशा भी टूटकर गोली ड्राइवर को लगती है। प्रियांशु भी इस हमले में घायल हो जाते हैं। इस हमले में कुल 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं भाजपा नेता प्रियांगु पांडे ने बताया कि टीएमसी के लगभग 50 से 60 लोगों ने रोड ब्लॉक कर गाड़ी रुकवाई और भीड़ की ओर से 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई और 7 से 8 बम भी फेंके गए। ड्राइवर समेत 2 लोगों को गोली लगी है, एक गंभीर है। बता दें कि इस दौरान नादिया और मंगलबाड़ी चौरंगी में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भी झड़प हुई। आज सुबह जो है घर से निकले हैं अपने नेता अर्जुन सिंह जी के घर जाने के लिए। सुबह 8:15 में 3 मिनट भी नहीं हुआ होगा घोषपाड़ा रोड पे उठे हैं, इंग्लैंड इंडिया मिल क्रॉस किए हैं। रास्ते पर अचानक भाटपाड़ा म्युनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन ला करके रास्ता जाम कर दिया गया है। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है, उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं। गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरा पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। वो आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। घर से निकले 3 मिनट के अंदर में जेटिंग मशीन रास्ता पर लग जाता है। सर क्या हुआ आज? प्रियांकु पांडे हमारे पार्टी के नेता हैं, वो आ रहे थे एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के सामने जेटिंग मशीन रास्ते पर खड़ा करके, और जैसे ही गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहां लगा है और वो लगने के बाद वो गिर गया। फिर उसके बाद रवि सिंह को मारा गया, बम और गोली उसको भी लगा है। 7 राउंड गोली चला है, अभी भी गोली का एक पार्टिकल गाड़ी में फंसा हुआ है। ये टोटली ACP की उपस्थिति में कराया गया है। कल पुलिस कमिश्नर ने डायरेक्शन दिया था कि भाटपाड़ा जगदल में कोई भी बीजेपी का कर्मी यदि रास्ते पर निकलता है तो उस पर उसको जो करना है करो, हम लोग की तरफ से फ्री है। आज उसी का प्लानिंग था और वो प्लानिंग में प्रियंकु पांडे की हत्या करने की प्लानिंग थी, और बहुत भगवान के आशीर्वाद से वो बच गया है, नहीं तो उसको बचने का कोई जगह नहीं था। आज स्थिति यह है कि जो लोग बम और गोली चलाए हैं वो ACP के ऑफिस के पास जुआ और हीरोइन बेचते हैं, जुआ चलाते हैं और हीरोइन बेचते हैं, और ACP के निगरानी में ये सारा घटना घटा।